वैसे इन दिनों जो पठान फिल्म का गाना है उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बेशरम रंग, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं यही बोलूंगी ये कलर्स पे क्या बात करना है, मीन्स यू नो हम इंडिया में रहते हैं, इवन मे भी ऑरेंज कलर पहन लेती हूँ, ग्रीन कलर पहन लेती हूँ, कलर्स पे तो कभी बात नहीं होना चाहिए फिलहाल। बाकी तो आई एम वेटिंग, शाहरुख खान की मूवी आ रही है एंड शाहरुख साहब क्या हैंडसम लग रहे हैं। आपको गाना कैसा लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया गाने को? गाने फिलहाल मैं गाने नहीं सुनती हूँ, मुझे इतने पसंद वीडियो नहीं दिखाया गया, ट्रेलर थोड़ा वीडियो देखा मैंने, वीडियो में सच बोलूँ मैंने सिर्फ शाहरुख खान को देखा, बाखुदा मैंने सिर्फ शाहरुख खान का चेहरा और उनकी बॉडी देखी, मैंने दीपिका के ऊपर जरा सा भी गौर नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं अपोजिट इंसान, सीधी बात है, वो देखेंगे और हम देखेंगे दीपिका। हां आप दीपिका देखो, सिंपल दीपिका ने पहना हुआ वो भगवा रंग का कपड़ा, मैं आपको बता दूं दीपिका ने पहना हुआ और वो थोड़ा ज्यादा शोई टाइप से। अच्छा, एंड शी इज गुड। शाहरुख खान लगभग 5 सालों के बाद आ रहे हैं, इसके बाद अब बॉयकॉट गैंग जुड़ चुकी है उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है बॉयकॉट गैंग सक्सेस हो पाएगी? यार ये हर मूवी के साथ होता है, हमेशा होता है, जिसको शाहरुख खान के इतने फैंस हैं कि शायद मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं आपको, इस सीजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है मुझे देखने में। इवन आई लव, मुझे प्रियंका चहर चौधरी बहुत पसंद आई है एंड इंशाल्लाह वो बिना बने ना अब्दू रोजिक तो है ही अच्छा, ही इज वेरी नाइस। 31 दिसंबर आ रहा है, इसको लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं, कहां पार्टी करने वाली हैं? हमारे लिए रोज पार्टी है डूड। कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह बना रखा है आपने? फिलहाल मैं बनाती हूँ लेकिन मैं फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं बनाने वाली, ऐसा बना दिया तो फिर होने नहीं वाला मुझसे। लोग बोलते हैं इस साल मैं वेट कम कर लूँगी, कोई कहता है बढ़ा लूँगा, तो इसलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं है। लेट्स सी जो चलता जाएगा, मैं ये फ्लो की तरह है ना। न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमसे शेयर करना, आज मूवी रिलीज हुई है मेरी त्राही माम और 4 स्टार उसको रिव्यू मिला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। देखो इन्फिनिटी पे कितना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। आई थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट हर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस बहुत उम्दा आपका परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। वो अलग बात है आप नजर नहीं आई थी वहाँ पर। सर मैं एयरपोर्ट गई हुई थी और मैं वाकई में मैं बड़ा अफसोस वाली बात है कि मैं फर्स्ट अपने मूवी के जब वो रिलीजिंग का टाइम हो रहा मैं वहाँ नहीं रही। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप नाराज है क्या फिल्म को लेकर? नहीं यार, प्रोड्यूसर के साथ कुछ नोक झोंक? प्रोड्यूसर आई लव प्रोड्यूसर, बहुत जबरदस्त थे हमारे प्रोड्यूसर साहब, एक 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 न्यूज भेजते हैं मुझे। कोरोना के दौरान पूरी फिल्म की शूटिंग में किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। फिल्म को लोग क्यों देखना थिएटर तक जाए आपको लगता है? बट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मीन्स इसके अंदर ऐसा कुछ मतलब जो आजकल चल रहा है वैसा नहीं है, एक ट्रू स्टोरी है, एक लड़की के ऊपर है, राजस्थान में ये दिखाया गया है कि उसके साथ क्या क्या होता है और कितने पॉलिटिक्स करते हैं लोग उसके साथ, तो डेफिनेटली देखना चाहिए, मुझे पसंद आई ये स्टोरी। थैंक यू। माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, आई लव AR रहमान। जिससे व्यूज बढ़े अच्छा। जो आज का कैलेंडर लॉन्च इवेंट है क्या रहा है आपकी कैलेंडर लॉन्च के लिए? एक्चुअली कुछ यूनिक है इनके जो कॉस्ट्यूम्स मैंने ऊपर जाके देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राघव बोहरा एंड आई एम एन एक्टर। अर्लियर आई वॉज इन टू मॉडलिंग बट आई लेफ्ट मॉडलिंग, लाइक आई गॉट माई फर्स्ट मूवी इन द ईयर 2019, सो देन आफ्टर आई एम इन टू एक्टिंग ओनली। सो अबाउट दिस शो कैलेंडर शूट, सो द थीम इज़ वेरी डिफरेंट। मैंने पहली बार इस अपनी लाइफ में देखी, ऑल्दो मैंने भी कैलेंडर शूट्स किए हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस टाइप ऑफ शूट। आपको अपने बेडरूम में किस तरह के कैलेंडर रखने पसंद? थोड़े यूनिक, मतलब जिसको देखे कुछ पॉजिटिविटी मिले और जिसको देखे मोटिवेशन मिले, तो बेसिकली हम तो वैसे रखते हैं।
आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार डेफिनेटली, सो रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है टी सीरीज के लिए, एंड नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग फॉर अ मूवी इन गोवा, तो उसके बाद आई एम डूइंग अ सीरीज फॉर एमएस प्लेयर, दैट इज धुआं। पहले तो मैं बता दूँ, हाय आई एम पडाल परवेज और आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्टर, और मैं इंस्टाग्राम जोश मौज और बहुत सारे ऐप पे कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे संजय बैल जी और रानी सचिन बैल जी एंड रानी गिल जी ने जिन्होंने इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू शाहनवाज ने मुझे आने के लिए कहा, इन्विटेशन दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सब देखा ऊपर, तो कॉस्ट्यूम सबके बहुत ही बेहतरीन है, और शो माशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म, नया मार्केट खुला है, लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, आपने इसकी किस तरह से शुरुआत की थी, शुरुआत कैसे हुई, और आप जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं उसके बारे में शेयर करेंगे? जी, मेरी शुरुआत हुई है टिकटॉक से, टिकटॉक पे भी काफ़ी नाम है मेरा, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी बहुत थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है फेम के लिए। तो जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ, मैं हर तरह के एक्ट कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ऐप पे आना बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं है। आजकल के जनरेशन के लोग यहाँ ये ऐप पे आने के लिए बहुत कहते हैं कि हमको फेम चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, तो इतना ईजी नहीं है प्लेटफॉर्म पे काम करना। कई लोग नौकरियाँ छोड़ कर यूट्यूब चैनल शुरू करके वो सोचते हैं कि बहुत रातों रात आसानी से पैसे कमाएंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे, ये जो चलन चला है इसके ऊपर आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, कहाँ तक सही है आप मानती हैं? मैं जैसे अभी दो दिन पहले ही मुझे एक यूट्यूबर ने कॉल किया था कि मैम मैं मेरा जॉब छोड़ रही हूँ और मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैंने उनको तो यही राय दी कि भाई आप अपना जॉब ना छोड़ें, आप अपना काम करें, आप इस ऐप को एज आप जैसे कि भाई फ़न के लिए भी भाई मुझे वीडियो अपलोड करना है, लेकिन अपने काम पे इफेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये ऐप ऐसा है कि किसी को रातों रात स्टार बना देता है, और किसी को सालों साल लग जाते हैं कुछ नहीं करने के लिए। तो मैं तो यही राय दूंगी कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर ही रहो, हाँ ऐप आप डाउनलोड करिए, आप वीडियोस बनाइए, लेकिन इसको अपना पैशन मत बनाइए कि भाई इसी में घुस जाना है। जो नई पीढ़ी एक रोज़गार का नया रास्ता ढूंढ रही थी, आप बोलती हैं कि ये पूरी तरह सेफ नहीं है, ये बाकी से। हाँ जी, ये मैं बोल रही थी आपको कि आजकल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ के यहाँ ऐप पे हमारा कुछ दिखाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हाँ, काफ़ी लोग हैं जैसे फैजू है माशाल्लाह, उनको टिकटॉक से ही उनको बहुत शोहरत मिली है, काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आगे बढ़े हैं, और काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से कहीं ना कहीं इसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इनसे काफ़ी वीडियोज बनाती हैं, उन पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मशवरा है? हाँ, जैसे अभी मेरी भी डॉटर है, रिसेंटली अभी इसने भी वॉक किया, रैंप वॉक किया है, फोटोशूट्स किया है, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर ये पढ़ेगी तो थोड़ा, अगर जैसे अभी मान लो कि अभी वीडियोस में जैसे मैं भी हूँ, मेरा सारा ध्यान वीडियोस में रहता है, मैं और कुछ नहीं कर पाती, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी से मेरी बच्ची का सारा ध्यान वीडियोस में रहे, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई भी करें और वीडियोस भी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी आकर है ना, वो अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं, बस उनको वीडियोस बनाना है। ये ऐसा नशा है जो बड़ों को भी अपनी तरफ